हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। मैं कब से वीडियो नहीं बना पाया। लोगों के बहुत सारे अच्छे कमेंट भी हैं, बहुत सारे बुरे कमेंट भी हैं, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। दैट इज़ माय मिस्टेक, मेरे को करना चाहिए था। मैंने कल ही अपने कमेंट चेक करे, उसमें लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिखे हुए हैं, बुरे भी लिखे हैं। वो बनता भी है, जायज़ है, उनका राइट है, उन्हीं की वजह से ये चैनल ग्रो कर रहा है, और उनका राइट है। दे कैन पोस्ट व्हाटएवर दे वांट टू। और मैं कुछ चीज़ों का रिप्लाई नहीं कर पाया। एक टिकट की मैंने वीडियो डाली थी, टिकट की मैंने कहा था मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, कनाडा की लाइफ बहुत टफ है। मैं आपको अब से मेरा डेली ब्लॉग आएगा, और कल मैंने अपनी पेमेंट भी चेक करी है। आई थिंक मुझे कनाडा की जो पेमेंट भी आ गई है यूट्यूब से, 212 कैनेडियन डॉलर बन रहे हैं। वो आप ही की बदौलत है, आप ही की वजह से मुझे वो मिले हैं, राइट। और वो मैं आई थिंक सो आप ही में शेयर करूंगा। आप बताना उसका क्या करना चाहिए। मैं सोच रहा था उसमें से 50% मैं होमलेस के साथ शेयर करूंगा, या फिर किसी को एक्चुअली कनाडा में नीड है, जो स्टूडेंट हैं, नए आते हैं। हमने भी बहुत स्ट्रगल देखा है, मैंने लाइफ में यहाँ पे आके बहुत स्ट्रगल देखा है। बैक इन इंडिया सब अपना कोई किसी का बिजनेस है, कोई अच्छे परिवार से हैं, कोई कुछ आते हैं, लेकिन उनको यहाँ की ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है। जब वो यहाँ पे आते हैं तब उनको पता चलता है कैसा स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट डे से। तो अब से हर चीज़ कवर होगी, सब कुछ बताया जाएगा। इफ़ यू नीड एनी हेल्प, मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भी शेयर करूँगा, जो पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आए थे, बट मेरे से जितना हुआ मैंने रिप्लाई बैक किया, लोगों को रिवर्ट बैक किया इंस्टाग्राम पे भी। और आपको अभी मैं अपनी लाइफ दिखाऊंगा, डे वन से मैं बताऊंगा क्या स्ट्रगल था यहाँ पे और मैंने क्या क्या झेला है, जो स्टूडेंट्स को झेलना पड़ता है यहाँ पे आके। तो चलिए गाइस, आज आपको मैं अपने साथ लेके चलता हूँ डे आउट के लिए। आपको दिखाता हूँ कनाडा में लाइफ कैसे जी जाती है और क्या क्या रूटीन रहती है पर डे की। आज आपको लेके चलते हैं मेरे साथ, चलिए लेट्स गो। तो गाइज़, ये रही मेरी कार, ये मैंने आते ही ली थी। साथ में मैं ऊबर करता हूँ, ये ऊबर का स्टिकर लगाया हुआ है। ये भी रीज़न आपको बताऊँगा मैंने क्यों लगाया हुआ है, ये लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ टोरंटो एनफोर्समेंट, पार्किंग एनफोर्समेंट वाले बहुत सारे टिकट्स देते हैं जो आपको बचानी है। आई हैव लॉट ऑफ टिकट्स, मेरे पास लिटरली $300-400 की टिकट्स पड़ी हुई हैं। ये मेरी कार है, तो आपको ये भी स्टोरी बताऊँगा मैंने कितने में ली थी, कैसे ली थी, और मैंने क्यों ये गाड़ी ली है। अभी मैं काम स्टार्ट करने वाला हूँ, और मैं दो जॉब करता हूँ यहाँ पे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं फ्री हुआ था, मैंने अभी ऊबर कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ मेरा जो मैंने स्टार्ट किया था आते ही, यहाँ पे मैंने आते ही ऊबर स्टार्ट कर लिया था, और साथ में मैं ऑल्डो में जॉब करता हूँ। आज मेरी शिफ्ट नहीं थी तो मैंने ऊबर स्टार्ट कर दी है। अभी मैंने किसी को ड्रॉप किया है, उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ पीने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं पिया। और कॉफ़ी यहाँ की बहुत एडिक्टिव है, टिम होटल्स में पता नहीं क्या है। गाइज, अभी आपको मैं एक एरिया चेक करवाता हूँ। कनाडा बहुत ब्यूटीफुल है, अभी फॉल स्टार्ट हो गई है, विंटर स्टार्ट होने वाली है। फॉल में देखो कितना ब्यूटीफुल लगता है, सब रेड रेड हो गया है यहाँ पे। यहाँ से मेरा पिकअप है, ये देखो क्या लोकेशन है, बड़ा लोकेशन मैन।
गाइस ऊबर का एक बेनिफिट मुझे हुआ, ऊबर की वजह से मैंने पूरा टोरंटो घूम लिया। बहुत ब्यूटीफुल है टोरंटो। एज अ स्टूडेंट अगर मैं आया था, मैं नहीं घूम पाता, ऊबर की वजह से मैंने नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हर जगह घूमा हूँ। वाह, चेक करो गाइस लोगों के घर कितने प्यारे हैं। राइट नाउ मैं टोरंटो पहुंचा हूँ। टोरंटो से मुझे एक राइड पड़ी एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट जाऊंगा, उसके बाद थोड़ी देर घर जाऊंगा, रेस्ट करूंगा क्योंकि आज मेरी शिफ्ट नहीं है, फ्री हूँ, तो थोड़ी ग्रॉसरी भी करनी है। बट टोरंटो में एक दिक्कत है, सभी ऊबर ड्राइवर्स को पता होगा पक्का 100%, बाथरूम करना हो भाई साहब बहुत डिफिकल्ट होता है। अभी मैं आधे घंटे से रोक के बैठा हूँ, कभी कभी चार चार घंटा रोकना पड़ता है भाई। ये आ गया टोरंटो। सबसे वर्स्ट पार्ट टोरंटो का यही है, अदरवाइज टोरंटो इज सो ब्यूटीफुल, नो कंप्लेंट्स। अभी मैं टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ, अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। ये रहा टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट, ऊबर पिकअप जोन। यहाँ पे बाथरूम करने जाना पड़ता है। गाइस अभी ना मेरे को एक राइड पड़ी थी स्कारब्रो मार्कम साइड पे, वहाँ पे आया हूँ। कितना ब्यूटीफुल है ये एरिया, यहाँ का फॉल्स देखने वाला। फॉल्स बहुत, मेरा तो फर्स्ट फॉल है बट बहुत ब्यूटीफुल है। थोड़ी देर के लिए घर जा रहा हूँ, थोड़ा शॉपिंग करनी है, ग्रॉसरी करनी है और फिर आपको लेके चलते हैं ग्रॉसरी के लिए। अभी मैंने ऊबर काफ़ी कर ली है, आई एम फीलिंग टायर्ड, थोड़ा आई एम गोइंग टू टेक अ शॉवर नाउ। पहुंचाऊं तो ये फिल्टर पड़े हैं, फिल्टर चेंज करने पड़ेंगे अभी। चलिए फिल्टर चेंज करते हैं। कनाडा में लाइफ कभी थमती नहीं है। देखो घर पे अभी आया हूँ, फिल्टर इन्होंने बिल्डिंग वालों ने पहले रख दिया है, अभी मेरे को फिल्टर चेंज करने पड़ेंगे। चलिए फिल्टर चेंज करते हैं। ये रहे फिल्टर, पुराने वाले फिल्टर, कितना गंदा हो पड़ा है। घरों को विंटर रेडी बनाना जरूरी है। हीटिंग सिस्टम इन्होंने एक महीने पहले ही चला दिया था, इतनी गर्मी में हीटिंग सिस्टम चला दिया था। लेकिन हमने ये, मैंने ये फैन बाय किया था। फिर फिल्टर चेंज हो गया, इसको बाहर रख देना, मैनेजमेंट वाले ले जाएंगे खुद उठा। कहीं उन्हें अभी चेंज ही नहीं करे, हमने चेंज कर दिया। बाहर वाला भी आई थिंक यहीं से होगा, बाहर वाला भी कर देते हैं।
खाना बना हुआ, खाना रेडी है। आज मैं खाने वाला हूँ आलू गोभी, और ये बने हैं करेले और साथ में चपाती। सो फाइनली गाइज, खाना खा लिया है। अभी खाना खाने के बाद ग्रॉसरी करने जाना है। लेट्स गो फॉर द ग्रॉसरी। अभी आपको मैं अपना बिल्ला दिखाता हूँ। ये रहा हमारा बिल्ला मैसी। Say hi, मैसी। और ये स्नेहा। Hi. ये मैसी बैठा है, ये देखो बहुत प्यारा है। मैसी सो रहा था। मैं निकलने वाला हूँ अभी, ये मेरे को तंग कर रहा है, यहाँ आके बैठ गया। चल 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 अंदर मैसी, लेट्स गो। मैसी लेट्स गो। वॉलमार्ट पहुंच गया है। सो फाइनली गाइज, आज की मैंने शॉपिंग कर ली है, ग्रॉसरी कर ली है। आज का दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं और ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आपकी जो टिकट वाली वीडियो है वो भी जल्दी अपलोड कर दूंगा, बना दूंगा। अब से अपडेट रहूंगा क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी की वजह से मैं बहुत बिजी रहता था। असाइनमेंट, काम, खाना सब देखना पड़ता है कनाडा में, सबको पता ही है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड आपका प्यार सपोर्ट ऐसे ही देते रहो मेरे को।